पैसे लेकर PIL मैनेज करने के मामले में RGD की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में आज आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल पर आरोप गठित कर दिया गया है। ED के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा ने कोर्ट में आरोपों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल सशरीर कोर्ट में मौजूद थे। ED की विशेष अदालत में आरोप गठित किए जाने के बाद दाखिल आरोपों से आरोपियों ने खुद को इनकार कर दिया। उन्होंने ट्रायल फेस करने की बात कही। आरोपियों पर अपराध गठित होने के बाद की कार्रवाई की जाएगी। ED की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार ने बहस की। वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष शंभू अग्रवाल ने रखा। व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बात रखी। बता दें कि 6 अप्रैल को राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन को ED कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ED ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं। हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। अधिवक्ता राजीव कुमार को पहले ED कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत देने का फैसला लिया। अदालत ने उन्हें 1-1 लाख के 2 निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।